यहाँ से कितना टाइम लग जाएगा अमल भाई? चंडीगढ़ के लिए, फिर वहाँ से पौने दो घंटे शायद उधर, ढाई घंटा वहाँ से, पाँच घंटे का हो रहा है। इलेवन, हाँ 11:30 हो गए। बस ब्रेक लगा लिया करो टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, और गुड आफ्टरनून फ्रॉम चंडीगढ़। इस समय मैं हूँ चंडीगढ़ में और मेरे बिल्कुल पीछे हैं एयरपोर्ट। इस कार के थ्रू हम दिल्ली से यहाँ तक आए हैं, राइट। अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे के आसपास हम निकल गए थे। नाउ वी आर वेटिंग फॉर वन मोर आर्टिस्ट, राइट। और हम यहाँ से उस आर्टिस्ट को रिसीव करने के बाद निकलेंगे आगे। डेफिनेटली दैट इज़ द अननोन लोकेशन फॉर मी ऑल्सो, कि यहाँ से फर्स्ट एज आवर यू नो ड्राइवर कमल भाई टोल्ड मी, वी गोना बी फर्स्ट टेक यू नो ही विल गोइंग टू टेक अस टू होटल। होटल में जाने के बाद दी गोना बी यू नो डिस्कस अबाउट कि हमें आज का क्या शेड्यूल है, क्या होने वाला है। One thing I would like to ask all of you, that is, जो भी अभी चंडीगढ़ पंजाब या फिर यू नो हिमाचल साइड में जाते हैं, उनको क्या रास्ते में किसान आंदोलन के वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? डेफिनेटली पड़ रही होगी, क्योंकि जुलाई में जब मैं मनाली गया था तब भी हमें रूट चेंज करना पड़ा था, और अब भी रूट चेंज करना पड़ रहा है, जिसके वजह से ऑलमोस्ट स्टार्टिंग का 1 से 1.5 घंटे ख़राब हो जाती है स्टार्टिंग का, राइट। तो हाँ, वो अपने हक के लिए लड़ रहे बस, यस। बाकी लोगों को डेफिनेटली इस चीज़ का भी सरवाइव करना पड़ता है। देखते हैं कब तक इनका यू नो आंदोलन चलता है और कब इनको जस्टिस मिलता है। डेफिनेटली आई वॉन्ट ऑल जस्टिस टू बी क्रिस्टियन नो फार्मर्स, क्योंकि उन्होंने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। डेफिनेटली उनको जो चीज़ें होना चाहिए एक्चुअल में वो हो तो बेटर है सबके लिए। भाई साहब, व्हाट इज दिस? ये सामान ढोने वाला है या फिर पैसेंजर वाला है? पैसेंजर वाला नहीं लग रहा, सामान वाला है ना? ऐसा काफी बड़ी है यार ये, ये कार से तो बड़ी है। रोड काफ़ी क्लीन एंड यू नो ब्यूटीफुल है, और काफ़ी क्राउड भी कम है एज पर दिल्ली, राइट।
He's the Chinese actor.